गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम बात करेंगे म्युनिसिपल बजट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनियन बजट और स्टेट बजट जो होते हैं उनको तो कहीं ना कहीं अटेंशन दे देते हैं, बट जो म्युनिसिपल बजट्स होते हैं वो उतनी ज़्यादा कवरेज नहीं ले पाते। इवन लोकल न्यूज़पेपर्स तक भी उनको कवर ढंग से नहीं करते। तो आज हम जानेंगे सब बेसिक कॉन्सेप्ट कि म्युनिसिपल बजट होता क्या है, उसके आगे प्रॉब्लम्स क्या है और उन प्रॉब्लम्स से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें व्हाई म्युनिसिपल बजट मैटर फॉर कॉमन मैन, फर्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्युनिसिपल बजट जो है उसके ऊपर 4500 प्लस म्युनिसिपैलिटीज जिसके अंदर 300 मिलियन पीपल जो है वो प्रेजेंटली वो एवरी ईयर वहाँ पे कहीं ना कहीं बजट होता है, जिसके अंडर क्या होता है कि 4500 म्युनिसिपैलिटीज होती है जिसके अंदर 300 मिलियन पीपल होते हैं, जो उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं किसी ना किसी दौर से इफेक्ट कर रहा होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज वो हम यहाँ सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि ये जो है ये एवरीडे मैटर के कंसर्न जैसे कि सैनिटाइजेशन या टॉयलेट या सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, ओल्ड एज, मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर ना ये जो म्युनिसिपल बजट होता है ये टोटली बेस्ड होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा होता है, जिसके इसी के अंडर ये कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को भी इम्पैक्ट करता है। अगर हम देखें तो क्लीन एयर, ड्रिंकिंग वाटर, क्लियरिंग ऑफ गार्बेज प्रॉपरली, इसके अलावा टॉयलेट क्लीनिंग, और इसके अलावा पब्लिक स्पेसेस पे फ्रेश वाटर अवेलेबल हो, ये कहीं ना कहीं डे टू डे बेसिक चीज़ें होती है जो अगर ना मिले तो ह्यूमन के सर्वाइवल पर तक बात आ जाती है। क्योंकि अगर यही चीज़ें नहीं होंगी तो बीमारियां फैलेंगी तो हेल्थ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वे में इफेक्ट होगी। तो इसलिए ये एवरीडेज मैटर है। इसके अलावा सब्सटैंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व, वी डोंट गेट हैव एक्यूरेट डाटा, एस्टिमेट सजेस्ट दैट taken together these 4500 plus city budgets aggregate of an amount of large than अब इसमें क्या है कि अभी तक ना जो डेटा जो होता है ना, जैसे ऊपर से ब्रेकडाउन होते होते, जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन बजट पेश हुआ, फिर उसके अंदर स्टेट बजट, फिर ये म्युनिसिपैलिटीज बजट, तो कहीं ना वो ब्रेकडाउन होते 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 वो एक्यूरेसी जो है ना वो कहीं ना कहीं नहीं रह जाती। तो बट इतना है कि 1,50,000 से 1,80,000 करोड़ का एनुअली ये बजट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें चैलेंजेस क्या है, म्युनिसिपल बजट को एक तरीके से लोगों का बजट है, एक आम आदमी का बजट है, और अगर उसमें लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे कि इस पैसे का क्या हुआ, इस पैसे का क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा उनके आसपास क्या चीज़ सही हो रही है, तो कहीं ना कहीं कैसे वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी कि हम उस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यही मेन रीज़न है कि पीपल पार्टिसिपेशन जो है म्युनिसिपल बजट में वो काफ़ी ज़्यादा लो है, नॉट पीपल फ्रेंडली, बजट डॉक्यूमेंट themselves आर नॉट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फॉर एन एवरेज सिटीजन। ऑब्वियसली देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्निकल और जार्गन लैंग्वेज, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में चल जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म्स में चली जाती है, तो एक एवरेज जो सिटीजन होगा वो कैसे इन चीज़ों को समझ पाएगा। इसके अलावा इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, substantial expenditure in every year in the city happens through the ministerial agencies as such, development authority, transport corporation and water supply boards which have separate budgets which are never discussed in the city council and covered in the media. Exactly, मैंने आपको starting में बताया कि इन जो municipal budgets है उनको कोई coverage ही नहीं मिलती। देखो, अगर उन चीज़ों को कहीं ना कहीं मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, एटलीस्ट लोकल न्यूज़पेपर में भी अगर कवरेज मिलेगी तो लोग उस चीज़ के बारे में जानेंगे। जब कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है तो वो उस पर एक क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि अच्छा ये चीज़ है तो ये चीज़ होगी कैसे। तो यही मैटर है कि इन चीज़ों को कवरेज नहीं मिल पाती, इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाती। अब व्हाट इज पार्टिसिपेटरी बजटिंग, budgeting is a concept, participatory budgeting is a concept that is pioneered in the
मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, इसमें इतना पढ़ने से बेटर है एक नॉर्मल टर्म्स में समझते हैं कि एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक और एक डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो ऑर्डिनरी पीपल डिसाइड करते हैं, जो कि म्यूनसिपाल के होते हैं या पब्लिक बजट से जो कि म्यूनसिपाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी बजट में मेनली क्या होता है, ये जो लोकल लोकल ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा एरिया है, उस एरिया का कोई ना कोई पार्षद होगा, ये उस एरिया में कोई ना कोई हम कहते हैं ना कि एक बड़े इंसान, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जिनके इन चीज़ों से कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनका इन चीज़ों में आना जाना होता है, जिनका नगर निगम में उठना बैठना होता है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उन वो ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उस डिसीजन मेकिंग या उस डेमोक्रेटिक की, वो इस बजट को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा माई सिटी माई बजट कॉम्पेन जो है वो चलाया गया था 2015 में, जिसके अंदर बैंगलोर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम और इसके अलावा भी कई सारी सिटीज के कॉपरेशन और नेबरहुड कम्युनिटीज की बात की गई थी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव था। अब पार्टिसिपेटिव बजटिंग की सबसे ज्यादा मेरिट्स है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। अगर हम मेरिट की बात करें तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, ऑब्वियसली अगर लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, बजट्स को प्रॉपरली एलोकेट किया जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप वर्क भी होगा ही होगा, लोकल सॉल्यूशन निकल के आएंगे, कोई हाइपोथेटिकल नहीं आएंगे। जैसे अब हमारे जो लोकल प्रॉब्लम्स होंगी, हमारे एरिया की जो लोकल एरियाज में जो प्रॉब्लम होंगी, अगर उनको वहीं से ही सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, वहीं की म्यूनसिपैलिटीज उनको प्रॉपरली सॉल्यूशन दे पाए, तो वो लोकल सॉल्यूशन एक इजी वे में देखा जाता है, ना कि अगर हमारे एरिया की प्रॉब्लम है और देश का प्रेसिडेंट आके उस चीज का सॉल्यूशन दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अजीब भी लगेगा, वियर्ड भी लगेगा, और हो सकता है कि वो शायद हमारी प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझ ना पाए, और जब वो अगर हमारी प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इट्स बेटर कि लोकल सॉल्यूशंस ही निकल पाए। इसके अलावा पॉलिटिकल और एंड पब्लिक ट्रस्ट जो होगा उसको भी ये बिल्ड करने में हेल्प करेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब ये सब वर्क होगा तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें कवर होंगी, इसमें लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे उन कवरेजेस में, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे जो है गवर्नेंस बेटर बनेगी। इसके अलावा क्या होगा, हेल्प्स इन बेटर मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स। ऑब्वियसली जब हमें दिख पाएगा कि ये हमारा पब्लिक एसेट है तो उसको लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे, कम्युनिटीज के अंदर भी रिस्पेक्ट आएगी गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा स्ट्रेंथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं अगर हम हर चीज में खुद को इन्वॉल्व पाएंगे तो हमारे अंदर जो डेमोक्रेसी की जो रूट्स है वो और ज्यादा मजबूत होंगी। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, वी नीड ग्रेटर डिग्री ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट एंड मीडिया एंगेजमेंट ऑन द म्युनिसिपल बजट्स फॉर देम टू मेक देम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रियल चेंज एट अ स्टेट नेबरहुड एंड वार्ड लेवल। मैंने बोला अगर इन लोगों को कवरेज मिलेगी, इन लोगों के बारे में अगर लोकल न्यूज़पेपर्स भी छापना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप होगी, और जिसके अलावा स्टेट लेवल या लोकल लेवल पे काम हो पाएगा। तो होप यू गाइज लाइक डिट, पसंद आया तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।